मैं मोहित भट्ट का रुख करना चाह रही हूँ। मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पर आप पैनलिस्ट को सुन रहे होंगे। एक तबका ये मानता है कि अगर वहां पर पुलिस एक्शन करने गई थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतना बड़ा इस तरह से हमला हो गया और किसी को पता ही नहीं चला पहले। क्या ऐसा ही था वहां पर? देखिए प्रीति, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पूरे मामले में कल नगर निगम के अधिकारी मेरे पीछे, आप जो दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह को के नोटिस देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तभी एक लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। सरकारी जमीन पर जो अवैध बांधकाम है, इसके कारण जो यहाँ की नगर निगम है, उन्होंने इस जो दरगाह उसके ऊपर नोटिस लगाई थी। उसी के साथ कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और जो प्रशासन ने उसका विरोध करने लगे। तभी यहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि अभी कोई डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ ये आपको पूछा जा रहा है कि ये दरगाह सरकारी जमीन पर तो नहीं है। अगर आपके पास कोई उसके कागजात है तो आप नगर निगम में 5 दिन में रखिए। लेकिन एक जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पुलिस पर हमला कर लिया और 5 लोग उसमें जख्मी हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे एक पुलिस थाना आया है, जेवड़ी गेट पुलिस थाना, वहां पे भी कुछ लोगों ने हमला किया और पूरा पुलिस थाना तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही की बात की जाए तो पुलिस ने जो 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, साथ ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो धारा 302 के तहत कार्यवाही की गई है। पूरी स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को नोटिस देनी थी, लेकिन जो साइक्लोन के असर थे, इसके कारण स्थानीय प्रशासन 16 तारीख को यह नोटिस देने आए थे, तभी यह वारदात हुई है। फिलहाल 5 दिन की मोहलत दी गई है। अगर 5 दिन में इसके कोई कागजात है वो नहीं मिले तो जरूर प्रशासन इसे डिमोलिशन की कार्यवाही भी की जा सकती है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें देने के लिए, और साथ ही शुभम आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट भोपाल से पहुंचाने के लिए। लेकिन रिजवी जी, सवाल ये है कि आखिर इन पत्थरबाजों से आप लोग इतना हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? एक साधारण सी बात है, अवैध जगह पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई, पुलिस ने कहा कागज दिखा दीजिए, और कागज दिखाने के एवज में उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें पत्थरबाजी हमले का सामना करना पड़ रहा है, क्या ये जायज है? मैडम, हो गई बात। मैं ये कहूँ कि आप हमदर्दी क्यों कह रहे हैं, किसने यहाँ पे हमदर्दी दिखाई? नहीं तो आप बता रहे हैं ना, हमदर्दी नहीं है। आप कहेंगे कि साहब ये इस्लामिक या मुस्लिम स्कॉलर ने कैसे बात करते हैं? भाई कहना पड़ेगा, हम जो कह रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए, आप खुले शब्दों में बात तो सुन लीजिए मेरी, और कैसे करूं बात सुनेंगे? मैंने कहा उनकी हिमायत की, अभी तो जांच वहां के एसपी ने कहा है। मैडम, वहां के एसपी ने कहा है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे थे, उन सबको सीसीटीवी में देखा जाएगा। हो सकता है कि अराजकता हो और माहौल को खराब करने के लिए वहां पहुंचे हो, क्योंकि पूरे देश की हमें फिक्र है, पूरे देश में पत्थर चलने लगे हैं। ये कौन सा ट्रेंड आ गया है? कश्मीर में तो दावा यह है सरकार का कि हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, लेकिन पूरे देश में जहां देखिए पत्थर चल जाता है, पत्थर चल जाता है। कानपुर में पत्थर चल जाता है, मध्य प्रदेश में पत्थर चल जाता है, गुजरात में पत्थर चल गया। ये पत्थर चलता क्यों है, क्यों चलता है, इसकी क्यों नहीं जांच हो रही है? क्यों, कौन लोग हैं जो आपस में लड़वाना चाहते हैं? इसकी जब तक जांच नहीं होगी, और अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई देखिए, मैं एक इस्लामिक धर्म, मैं एक मिनट, बहुत सारी बातें बोल दी मैंने भी, यहाँ शांति से आपकी सारी बातें सुनी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि कोई हिंदू संगठन है जो इस प्रकार से कर रहा है, मैंने ये कहा ही नहीं। बताइए कि सरकार, नहीं, नहीं, मैं हिंदू संगठन, मैंने कहा का जिम्मेदारी है, मैंने कहा ही नहीं है कि सरकार, हो सकता है कि किसी को पैसे देकर के ऐसा कराया गया हो, क्योंकि यूपी में ऐसा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है, बुलंदशहर में जब मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, नागरिक उसमें कैसे न्यूज चलाई गई मैडम, बताइए। और उसके बाद वही के पुलिस प्रशासन ने, मैं सलूट करता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को, मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने अवैध मैडम, इसलिए शक होता है
कि पहले जांच हो जाए, देखा जाए कि कौन है, ब्लैकमेलिंग कर रही है। बताइए, मैं तो आपके सामने मिसाल दे रहा हूँ, आपको बुलंदशहर आपके करीब है, आप बताइए वहाँ क्या हुआ। संगठन बुलंदशहर वहाँ करीब है, वहाँ क्या हुआ, कैसी खबरें चलाई गई मैडम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले चीजों को देखा जाए, शासन का विरोध करते हैं, जब हम देखेंगे जांच होगी उसकी, पुलिस प्रशासन हमें उम्मीद है कि बहुत ईमानदारी से जांच करेगी, और अगर देश में इस प्रकार की नाजायज तरीके से मजार बनी है तो उसको रहने का हक नहीं है। संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत में यह है कि जायज चीज, ये जन समुदाय एकत्रित करके सरकार का विरोध करना, मैं क्या कह रहा हूँ, पत्थरबाजी करना, इससे देश अभी बुलंदशहर का मामला है, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, बुलंदशहर में क्या हुआ आप जवाब दीजिए ना, बुलंदशहर में जो मूर्तियां तोड़ी गई थी आप जवाब दीजिए, किसने तोड़ी थी मूर्तियां और कैसी न्यूज चलाई गई थी। देखिए अभी इसी तरीके से अयोध्या में भी 7 लोग पकड़े गए, आप लोग इस मुद्दे को इसलिए जांच बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूँ, देखना चाहते हैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी तशद्दुद हो, सच्चाई ये है कि वहाँ पर, जरा एक सेकंड, वहाँ पर पुलिस के साथ जिस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहूंगी उन बातों का, वो तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पर आप जाइए और आपको एहसास होगा कि कानून का कोई खौफ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। सिर्फ गुजरात के जूनागढ़ और एमपी में भोपाल ही नहीं बल्कि देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध मजारों का तांता लगा हुआ है और उनके बारे में भी आप जान लीजिए। 4 तस्वीरें मेरे पीछे, सर एक सेकंड रुक जाइए, तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, इनमें से 2 तस्वीरें यूपी और 2 तस्वीरें उत्तराखंड की है। देखिए गाजियाबाद की है, अगर आप देख पा रहे हो गाजियाबाद, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हम आपको रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, बरेली की, हरिद्वार की, चमेली की, चमोली की, ये उत्तराखंड की है, 2 उत्तराखंड की है, 2 उत्तर प्रदेश की है। लेकिन देखिए गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन, देखिए अवैध मजार हटाए गए हैं 1 मई 2023 को, ये कार्रवाई हरिद्वार में हुई है और इसको लेकर खूब चर्चा भी हुई थी, और उसके बाद की जो तारीख है, देखिए अवैध मजार हटाने की जो डिमांड है वो यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर हो रही है और बरेली में कहाँ हो रही है, रेलवे स्टेशन पर। देखिए आप कहीं भी खड़े हो जाइएगा और वहां पर एक मजार का ढांचा खड़ा कर दीजिएगा तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं इनसे, ये क्या इनको हटाना नहीं चाहिए, ये सवाल है। ऐसे में जब्बाद जी, क्या इस तरह की जो मजारें कोई भी कहीं आके कुछ भी ढांचा खड़ा करता है और कह देता है कि चलिए अब भाई अब वहां पर इबादत कीजिए, आपको जायज लगता है ये तस्वीरें? नहीं, नहीं, ये तस्वीरें आपकी नजर में सही है? क्या इन पर अगर कार्रवाई होगी तो भी आप इसी तरह से झंडा बर्दारी करेंगे जैसा अभी कर रहे थे? मैडम फिर सुन लीजिए, आप शायद सुन नहीं पाए और परवेज साहब भी नहीं सुन पाए, तशद्दुद कहीं पर भी होगा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि पुलिस प्रशासन की, इंटेलिजेंस की और मजम्मत नहीं करते, बड़ी 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 सावधानी से उनका समर्थन करते हैं। देखिए अगर तू मैं में होने लगी वो मजम्मत नहीं करते, सावधानी से उनकी सुरक्षा करते हैं। क्यों नहीं सच बोलेंगे तो आप सावधानी से सुरक्षा करते हैं, उनको क्यों निकाला गया? सुन लीजिए किसके बाद क्या रहा, उसके बाद इस देश में क्या होगा? जी क्यों नहीं जवाब देंगे, आपको अवैध नजर आएंगे, सिर्फ मजारे ही इस देश के अंदर अवैध हैं। सलमान का जो कार्ड खेला जा रहा है, मंदिर भी टूटे हैं, भाजपा को इनडायरेक्टली वे में आकर के मंदिर भी टूटे हैं, वो तो नहीं किया यदि बना ले नहीं।